Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. उदय जी मसला हो गया। सल्लू भाई नु पता चल गया ते रोला पे आ जाना है। हाँ वो जो भी है वो बात भी, लेकिन हुआ क्या है? डॉक्यूमेंट्स गुम गए। अजाब, ये सारा तुम्हारी वजह से मुझ पर नाज़िल हुआ है। सारा तुमने मेरे फ्यूचर की सत्यानाश कर दी है। हाय अल्लाह, तुमने बद्दुआ तो नहीं दी है कहीं? तुम ही चाहते थे ना कि मैं बाहर ना जाऊं। जिया कौन? मुबारक सल्लू भाई, डॉक्यूमेंट्स मिल गए आपके। अब ये क्या है? मतलब क्यूट बनने की जरूरत नहीं मेरे साथ। उंगली मिलाने से बेहतर है दिल मिला लो ताकि हार्ष तो ना हो मुझसे। चलो अब क्या जान लेंगे मेरी? नहीं, वो हक तो सिर्फ तुम्हारे पास है ना। I'm sorry, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। तुमने जलाया? अब निजान जी, जो बगैर सबूत के आप बात करते हो ना, दिल ना साड़ो मेरा। जलापियों का कोई सबूत नहीं होता पीनो जी। बड़ा जहर भर दिया चाची ने तेरे अंदर चार दिन में। खबरदार परवीन बाजी, जो मेरी सास के बारे में एक लफ्ज भी कहा। बिल्लो तेरा कसूर नहीं है, जब बुढ़े बारे ब्याह हो ना तो ऐवे ही बंदे को प्यार आता है ससुरालियों पे। अल्लाह की जान, देख रही हूं आप इनको। वो क्या देखेंगी, देख तो मैं रही हूँ। पूरे खानदान ने मुहिम चलाई हुई है मेरी किरदार कशी की। मैंने कोई इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। परवीन, तुमसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि तुमने कुर्ता जलाया है या नहीं। ठीक है आगा जी, फिर अगर सबको मुझ पर ही शक है ना, तो अपने सबर का मजीद इम्तिहान ना लें। मैं आज ही चली जाती हूँ वापस गुजरात अपने मिठू को लेकर, फिर खड़कांदे रहंदा तुसी देगा। हाय हाय, तेरी स्पीडा देख लिया है आपने? आगा जी आपने भी देख लिया है, इसे कहते हैं अपसाइड डाउन थीफ। कोतवाल को डांटे। बिल्लू, कहीं तुमने तो नहीं जला दिया कुर्ता? ओहो, हाउ कैन शी डिड? नहीं, आप मुझे बताएं, हाउ कैन शी डिड? ये अपने होने वाले मजाजी खुदा के कपड़े कैसे जला सकती है? नहीं कर सकती। खुदाया, पहले घर में कम जन मुरीद थे जो एक और का इजाफा हो गया। हाँ जी हाँ जी, वो अपने बड़ों के रश के कमर पे चल के ही तो बंदा सीखता है बाबा जी। मेरा मतलब आवा जी हैं जी। तुम जाके परवीन को देखो, कहीं वाकई न चली जाए। शादी के घर से किसी को नाराज होके जाना नहीं चाहिए। आगा जी, इसने तो हमेशा से अपनी तैयारी करके रखी हुई है, बक्सा रेडी, माल मंडी इसकी रेडी, लेकिन ये जाति वाती कहीं भी नहीं है। फिर भी जाकर देखो, कहीं वाकई ना चली जाए। मेहंदी का फंक्शन है कल घर में। और बिलो, तुम भी जरा अपने कमरे तक महदूद रहो, और ये कुर्ते वगैरह जो इस्त्री करना है ना, ये शादी के बाद हो सकता है। जी बीजान। इतना भारी तुमने डीजे को तो नहीं पैक कर लिया बीच में? पागल वागल तो नहीं हो गए? सारी वार्डरोब आपकी है। चलो एटलीस्ट खुदा खुदा करके लंदन की पैकिंग तो कंप्लीट हुई ना। शुक्र है वो यार। मुझे बताओ कि शेरी और किंदा की शादी पे क्या पहनना है? उसके लिए तो शॉपिंग पर जाना था। यार टाइम कितना रह गया जो अभी करनी थी? यार मैं क्या करूं, वीजा प्रोसेस, पैकिंग, फिर 10 चीजें, इतनी जगह दिमाग लगा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, वक्त ही नहीं मिला। काम करते हो, पुराने शादी के कपड़े पड़े हुए ना, उसमें से कुछ पहन ले। खराब है, पुराने पहन लूंगी अभी, चलो मेरे साथ शॉपिंग पे। अभी? हाँ अभी क्या? अरसल मुझे अम्मा और पप्पू ने बुलाया था, वो किंजा के परी के कपड़े टांकने थे। अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं इन टाइम पे उनको बोलूं, नहीं मैं नहीं आ रही, मैं अपनी शॉपिंग पे निकल रही हूँ। पुराने कपड़े पहने अच्छा लगता जी।
शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाना है कहीं तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? वो हमारी फंक्शन पे पहनने वाली ड्रेस खो गई है और हम बाजार नहीं जा सकता और किंजा को घर वाला जाने नहीं दे रहा, प्लीज चलो ना हमारे साथ। दे रहे काका, ठीक है, हमने अभी सोचा, अभी एक रेडीमेड ड्रेस खरीदेगा और खरीदूंगी मैं ना। सर क्या हो गया, उसको बात तो पूरी करने, तो बीच में तुम अपनी डिग्गा दूंगा। उसका टीचर हो यार, तो करेक्शन तो करने दो ना। तुम अपनी ये ना टीचर ही अपने पास रखो। अच्छा मुझे आइडिया है, तुम एक काम करो, इस बेचारे को बाहर लेकर चले जाओ, इसको जोड़ा भी दिला देना और प्लीज बेबी जोड़े ले आना। हेलो, मैं अकेला कैसे सब कुछ खरीदूंगा, मैं नहीं जा रहा। हाँ मेरा मेहंदी का जोड़ा कैसे खरीदा था आपने? हाँ और साथ में काम करो, मिट्टू को भी ले जाओ। सही भाई, राजा करना मतलब, चलो ना हमारे साथ, बहुत टेंशन है हमें अपनी ड्रेस की, प्लीज करना राजा करना, प्लीज ना आ जाओ ना, प्लीज ना। चलो मैं लेकिन चलो उठो और अच्छा सा जोड़ा लेकर आना और मुझे पिक्चर सबसे पहले भेजना। हुक्म मेरे आका। चलो जाओ जाओ। अच्छे कलर्स। चल मेरा पुत्र अगे लग, छेती कर। एक मिनट पे टैक्सी तो मंगा ली सी ना। परी जी आज हम आपको इधर से नहीं जाने देगा। आज ते दीवारी चीन भी विच आ गई ना, तो मैं अड्डी छड़प्पा मार के कूद के चले जाना है थो। जलाल खान मर सकता लेकिन हट नहीं सकता सामने से। ओ खान साहब साइड मारो वरना पासे सेक देने मैंने आपके, जैसे उस रात शरीकों के नहीं सेके थे। Why do not take my name, मेरा नाम ना लें। क्यों, तेरा नाम लेने पे टैक्स लगता है या कोई पुलिस पकड़ के ले जाती है? और मैं ते बी जान दे कहने ते इधर आया, वरना मैं चुप कर, शदीद किस्म की नफरत हो जानी है मेरी तुझसे। परी जी आप नफरत के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए बने। हाँ जी ते तू मेनू लगदा है फेंटा खान लिए पैदा होया, ओ भी मेरे कोलो। खुदा का कसम इस मर्तबा हमको हाथ लगाओ, पिखावर से रॉकेट लॉन्चर मंगवाएगा, तुम्हारे सीने के आर पार करेगा, पूरे समुक्का मारेगा, किसी अस्पताल के इमरजेंसी में जाएगा, खाना खराब का बच्चा है। ये क्या नवा कट्टा खोल लिया तूने यहाँ पे है? कोई नवा कट्टा नहीं है, पागल संडा खुलवाए चीचा वतनी का। ओए होल्ड योर कंट्रोल ओए, और देख ला तेरी फ्रेंड किस तरह की गल्ला कर रही है। इसकी टिच बटन जैसी आंखों में देख, अय्यारी मक्कारी ते फनकारी कूट कूट के भरी हुई है, हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा बिल्लो से कैसे पसंद करती है। ए, सिंपल है, बिल्लो को कोई लेता नहीं था, इसे कोई देता नहीं था, अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अन्ना दूजी कोड़ी। चल तू गुस्सा थूक दे, तू सामान नीचे रख। बेबे रख दे। वाह चोरा नालो पांड काली है, माँ को समझाने के बजाय उसके पीछे पीछे टोर पड़ता है तू, है बिल्कुल लेला बन गए, रख नीचे इसे। नहीं छन्नो मैं फैसला कर चुकी हूँ और अब इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करेगा कराची से पिखावर तक। आगा जी ये जो आपने कट्टा खोला है ना मेरी कजन के खिलाफ, सारों ने मिलके बांधे अब इसको। कोई नहीं जाएगा यहाँ से मेरे बेटे की शादी अटेंड किए बगैर, चलो उठाओ पियनों का सामान, चलो अंदर। वैसे आगा जी आपने ना चंगा नहीं किया, मैं देख रही थी जब ये बिजू उछल उछल के हमले कर रहा था मुझ पर, तो आप तो बीजान को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सवाब का काम हो रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह किस कदर फजूल बातें कर रही हो तुम, चलो जवान माफी मांगो परवीन से, बड़ी है उम्र में तुमसे। हाँ कोई दो चार महीने ही बस। हाँ जी वड्डी बाजी जी मैनू माफ कर दियो, गलती नाल मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गई है। चल ना गुस्सा छोड़ दे, है माफ कर दे इसको, आगा जी की बात मान ले हैं, बुजुर्ग बंदे कल कला को मर गए ना, फिर तुझे बड़ा अफसोस होना है कि उनकी बात नहीं मानी थी। हॉल बला कुवत किस किस्म की बातें कर रही हो तुम, जा रहा हूँ मैं अंदर। आगा जी वो चल बक्से अंदर रख मिठू और हुक्का गर्म कर मेरा। अच्छा बेबे पर सल्लू पांड नाल जाके शॉपिंग कर लूं? चला जाई पर पैसे बहुते ना खर्चे। हाँ जी ते तुसी रहना हमेशा दे कंजूस मॉस्किटो चूस। और जो जी तूने जो हातमताई की कब्र को लाते मारी है ना वो भी हमने देखी है, मेरा मुंह ना खुलवाई। चल खो चल गया। चला
मुझे F11 Pro चाहिए। सर मिल जाएगा बिल्कुल, F11 Pro आपको 6GB RAM है इसकी, 128GB इसकी ROM है, बाकी बैक पे जो है डुअल रियर कैमरा है, ब्रिलियंट पोर्ट्रेट इन लो लाइट, इसके अलावा फ्रंट जो है राइजिंग कैमरा है इसका, वॉक फ्लैश चार्जर है 3.0 इसका। और आई नो मुझे पता है मेरे पास भी ये वाला फोन है। आप अपने लिए ले रहे हैं या किसी और के लिए ले रहे हैं? मैं एक्चुअली अपनी वाइफ के लिए ले रहा हूँ। सर ये कलर जो है फिर ज्यादा सूट करेगा उनके ऊपर। यार ग्रीन वाला मेरे पास है, आई थिंक आई विल गो विद द ब्लैक वन। ब्लैक वन, ओके सर नो प्रॉब्लम, ब्लैक वन। Thank you. Welcome. Say. Hello, office. Hello, office. भाई मिठू तू चांदी तो नहीं खानी मुझसे? सल्लू भाई की हो गया? मेरा बैग मैनू दे। बोलो सेठ बन के जाई जा रहा आगे। वैसे सल्लू भाई थैंक यू, आपने ना मुझे मैना के लिए जोड़ा दिलाया और ना बेबे मैनू कहां दे दिए इतने पैसे। ओ खैर है। ओ सल्लू भाई कितना मजा आएगा ना, मेरी परजाई जी और आपकी परजाई जी दोनों एक जैसे जोड़े में होंगी। ओए होए 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 मेरी परजाई, मामला इतना संगीन हो गया। ओ सल्लू भाई मैं बताता हूँ आपको। ठहर जा, मैं बताता हूँ सबको, भाभी आपकी। सल्लू भाई जवाब भाई, उसे जरूरत क्या थी इस माँ से मुसीबतें को रोकने की? जब ये पली मगरों लह रही थी चांदी कंकी, फिर पीछे पा लिया मिनते कर कर के खाम खामे। हमने परी जी को हाथ जोड़कर कसमें देकर वादे देकर इनके पांव को हाथ लगा कर इनको मनाए। जलाल भाई आखिर आपका मसला क्या है? तुम जलाल का मसला सिर्फ और सिर्फ उसकी दिमाग की खराबी है, उसका तो बस नहीं चल रहा वो परवीन के गले का हार बन जाए। यस सिस्टर, मैं तो कहना तुसी जाके ओदे मेंड दा इलाज करवाओ। इतना एक्सपेंसिव कुर्ता था जोजी जी का। ओ कुर्ते को मारो गोली, आज जो भी जान ने मेरा दिल जलाया है ना, कसम अल्लाह पाक की सड़ के स्वाह हो गई हूँ मैं। ए अच्छा चल तू हौसला कर, मैं जरा बाहर का फेरा लगा के आती हूँ। परवीन शाहना ठीक कह रही है, परवीन हौसला रखो, असल में बीजान अभी तक पुरानी बातें भूली नहीं है। ओ एक एक बात याद है मुझे तो, मेरी बात सारे सुन लो ध्यान से। खबरदार जो किसी ने भी ना उस कमबख्त ना फसादी जो पीनो है उसको पूरे ब्याह में मुंह लगाया तो। मैं तो पहले ही मुंह लगाती उसे, मेरे तो वैसे ही पीछे पड़ी रहती है। वो तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपसे वो खाम खा जलसुई फिरती रहती है, पूरे चीचा वतनी में आप जैसे खूबसूरत लड़की नहीं होनी है बेबे जी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा मेरा पुत। साजिशें हो रही है मेरे खिलाफ इस घर की छत के नीचे, गवाह रहना तुम सारे के सारे। ये मासूमा और नहीं, मैं क्या कर रही हूँ? हाय गठजोड़ कर लिया है सब लोगों ने मेरी ताई की दी के खिलाफ, लेकिन मैंने भी कसम खाई है मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। परी परवीन तुम तो चुप कर जाओ, मेरा दिल बैठ रहा है भाई। अरे नजाकत भाई ये दिल उठाने का नहीं खड़ा होने का वेला आ गया, चले मेरे साथ ड्राइंग रूम में तो आ जाके ऑपरेशन क्लीन अप करें, सबको बता दे के आज के बाद ये दिल से नहीं होएंगे खड़े होए। कोई जरूरत नहीं ऐसी बेवकूफी करने की, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। हाँ आ, ये कौन सा जा रहा था दरवाजे तक पहुँचते पहुँचे तो उसको असली वाला दिल का दौरा पड़ जाना था। कल का फंक्शन का तैयारी करो, जलाल खान ऐसा झूमर डालेगा कि सारी दुनिया अश अश कर उठेगा। ये झूमर शूमर बाद में डालना, पहले मेरे दुश्मनों को नथ डालो। ये थोड़ा मुश्किल काम है, शादी के बाद करें। शादी किसकी शादी? आए हाय क्या हो गया नजाकत भाई, जाहिर ही बात है किंजा और शहरी की शादी की बात हमेशा फूटी घाल समझते। ऐसे ऐसे ही कह रहा। चलो भाई अब उठो, सब लोग बहुत देर हो गई, वैसे कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। चलो पीनो आ जा, मैं चाय पिलाऊं तुझे, चला आ जाओ। ठीक नहीं होया है वैसे, ठीक नहीं होया है। नहीं नजाकत ये पीछे पड़ गया।
से क्या देख रहा हूँ? सोच रहा हूँ कि ये ड्रेस पहनकर तुम कितनी खूबसूरत लगोगी। ऑफ कोर्स लगूंगी, आपकी चॉइस जो है। आ जाओ। लेकर जी हमारी मस्कारा ड्राई हो गई है, अपनी मस्कारा दे दो। ये जोड़ा तुम्हें किसने दिया है? कहां से मिला तुम्हें ये? असल में बताया नहीं है मस्कारा, काम किसी और से लेता है मड़ा। क्या हुआ जिया? अरसल तुमने लेकर दिया है इसे ये जोड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हेलो दफा मैं क्यों लेके दूंगा जिया, मैंने नहीं बिल्कुल नहीं लेके दिया है। वो देखो आ गया जी। सल्लू भाई आपका ना वो बर्थडे वाला कैमरा चाहिए। वो छोड़, पहले ये बता कि ये मैना को ड्रेस तूने लेके दिया ना, बता जिया को। सल्लू भाई रहने दो, आपने तो पैसे दिए थे मुझे। बकवास, पूरी बात बता। अब सल्लू भाई कौन सी बात? तफा जा, कोई कैमरा नहीं है, तफा जा। सल्लू भाई वीडियो बनानी है। निकल, वीडियो बनानी है। जिया बकवास कर रहे भाई, इसने चूसी जैसा मुंह बनाया हुआ था यार। नहीं उधार दिए पैसे यार, दवाई चाहिए, मुझसे गुस्सा नहीं हो। बड़े गजरे सजरे लाए जा रहे हैं। यार तुम गलत वक्त पे कैसे टपक पड़ते हो? गलती से टपक पड़ता हूँ? वैसे समझे मैंने ना कुछ भी नहीं देखा। जी कुछ नहीं देखा होगा यकीन है, मगर मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। बात सही की है, बीजा ना अपने अभी अपने कमरे में नहीं है, ये काम कर रही है ना अपने पास छुपा ले, किसी को नहीं बताऊंगा। ओके प्रॉमिस कर। प्रॉमिस? ऐसे नहीं ऐसे। यहाँ पे किसी ने तैयार होना है भाई, मैं मर गई आगा जी, आप भी अभी तक यहाँ पे खड़े हुए हैं, तैयार होना है कि नहीं? कब से मैंने आपका कुर्ता इस्त्री करके वहाँ पे टांग दिया है। चले आगा जी निकले हैं वहाँ पे ना फंक्शन, लोगों ने खुद ही मुका देना, ढोलकियां बजा बजा के मेहमान चले जाएंगे। और तू ना ये उतार अपना, ये जो तूने कच्छा पहना हुआ है, जाके कुछ तमीज के कपड़े पहन, मैं जरा लाड़ा और लाड़ी को देख के आऊं। है या तुम्हारे सर की कसम यार, सच कह रहा हूँ। सर प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द है, आप किसी और के सर की कसम खा लें। अम्मा की कसम यार, झूठ नहीं बोल रहा यार। लेकिन मिट्टू आपके सामने खुद अपने मुंह से कहकर गया है कि आपने उसे पैसे दिए थे। उधार दिए यार, चूसनी जैसा मुंह बना के खड़ा बता, वहां क्या करता, देने पड़े। सच कह रहे हैं? प्रॉमिस यार, मुझ पे शक कर लिया करो, मेरी मोहब्बत में नहीं है, तुम्हारे अलावा किसी लड़की का सोच भी नहीं सकता मैं। और मैं भी ये नहीं सोच सकती कि आप मेरे अलावा किसी और लड़की के लिए शॉपिंग करें। इजाजत हो तो कदम रंजा फरमा लूं। फरमा ले माँ। भाई मुझे यकीन था कि तुम दोनों तैयार नहीं हुए हुए होगे। भाई अल्लाह, वो तोता मैना कबूतर सारे तैयार हो गए फंक्शन पे जाने के लिए, और तुम दोनों की अटकेलियां ही नहीं खत्म हो रही हैं। अम्मा तू आप भी इतनी रेडी? मेरा क्या है, मेरे कपड़े वहां पे इस्त्री हुए टंगे, मैंने यूं घुसना है और उधर हाल में कदम रख देना है। जल्दी से तैयार होके आ जाओ, तुम दोनों सोनी सी मान के आना। तू है, आप चलो हम आ रहे हैं आगा जी और बीजान को लेकर। हाँ सही है, और देर नहीं करनी, वरना तुम दोनों को पता है मुझसे बुरा कोई नहीं है। यकीनन अम्मा हम आ रहे। Thank you.
ऐसे क्या घूर रही हो? पता नहीं है छह भाइयों का इकलौता बहन हूँ। नैना जी आज तो बड़ी सोहनी लग रही हो। कोई सोहनी नहीं लग रही हो। जा मड़ा। नैना जी की हो गया है? ओए मिठू। ओए बेबे की हो गया? कितो मुंह काला करके आई है? ओए शट अप। मिठू सुन ना, एजड़ी कुड़ी है ना, इसनु काबू कर ले, हाथों ना निकले। लव मैरिज करानी है मैं तेरी। बेबे शर्म आंदी है मैंने। दे पागला सुन, आज अगर वो पटाखी हुमा विखी ना वलीमे च तो उसने मुंह ना लाना। ठीक हो गया बेबे, हुमा को लो आज से नफरत है। हुई ना गल, चल फिर असी भी चलिए कोई रौनका शौनका वेखिए। हैं बेबे एक गल आई है। और की है मेरे शहजादे? जो जी मामू को लो ना उस दिन वाला बदला लेना है। हाय वाह सदके, आज वेखा है ना तू मेरा मर्द पुत्र। तू फिक्र ना कर, सारा का सारा मंसूबा जो है ना इस दिमाग च काबू है। आज ते नहीं छड़ना किसी नु बेबे। किसी नु नहीं मेरी उम्र है कि मैं ऐसे हार सिंगार करती फिरूं? मुमताजा वो मेरे इकलौते पोते की शादी है, उसकी खातिर ही पहन। शाहजान तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारी अपनी शादी हो। काश अपनी तो गुजर गई है जैसे तैसे। मुमताज जहां तो बच्चों की खुशियां देखने के दिन है ना, अच्छे लगेंगे पहन ले। अच्छा देखो पहन तो मैं लेती हूँ, मगर असल मालिक आ गया ना तो मैं उतारूंगी नहीं। बेफिक्र ही रहिए, मालिक ही कह रहा है आपसे। तो मैं अरसल को देखूं तैयार हो गया कि नहीं। वैसे बीजन और शर्माते हुए ना बड़ी अच्छी लगती है। आज बड़ा ओवर हो रहे थे फंक्शन। तो क्या तुम्हारी तरह मुंह सुजाकर खड़ा हो जाता कोने में? नहीं, दांत निकालते, जबरदस्ती इधर उधर उछल कूद करते, फुदक फुदक कर जबरदस्ती सबके साथ नाच गाना करते। ऐसा करो तावीज बनाकर गले में लटका लो मुझे। तुम्हें जान से मारकर, तुम्हें खंबे से ना लटका दूं इबरत का निशान बनाकर? मार दो फिर अकेली जाना लंदन। तुम हर बात पर लंदन के बीच में लेकर आ जाते हो। और ये जो तुम मैना की वजह से बात बात पर मुझसे लड़ी हो ना, सब जानता हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ तो नहीं कर सकती ना मैं किसी भी लड़की को आपके साथ बर्दाश्त। रोमांटिक बात लठ मार के क्यों कर रही हो? क्योंकि यही है मेरा रोमांस। तो साफ कहो ना, जेलसी होती है तुम्हें? मरती हूँ मुझ पर, नहीं शेयर कर सकती मुझे किसी के साथ? हाँ नहीं कर सकती शेयर। तो इतनी प्यारी बात इतनी दूर से क्यों कर रही हो? जरा पास आओ ना। बको मत। जी हाँ देखो प्यार करो ना करो लेकिन मेरी रिस्पेक्ट किया करो, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ तो ठीक है फिर आप भी मुझसे मोहब्बत करें ना करें, लेकिन मेरी इम्पोर्टेंस कम नहीं होनी चाहिए मेरे ही सामने। इतने प्यार से कहोगी तो ऐसे उंगली मुंह पर रखकर बैठ जाऊंगा और किसी की बात का जवाब भी नहीं दूंगा। I'm sorry. I love you. आपको पता है मेरी हर बात का मतलब उल्टा होता है। जिया की बच्ची, अकबल मैं कहता हूँ बिल्कुल।
क्यों नाराज बैठी हो? इलका क्यों नाराज बैठी हो? मैना जी मुझे कुछ पता नहीं है आपने क्या कहा है, बस इतना पता है कि मर्द नाराज होती नहीं होता है। ठीक हो गया? हाँ हाँ, लेकिन ये बताओ मसला क्या है? जे भाइयों का इकलौता बहन संभल कर देगा? मैना जी वो हुमा है ना, ओने मेनू वेख के दंद कट दिए। होर ते होर बेबे कहंदी है वो चंगी कुड़ी नहीं हैगी, मैं ना हुमा को बदला लेना। वैसे मैना जी कल ना फंक्शन पे एक काम सी। नहीं मिट्टू, मेकअप के साथ इतना बड़ा हील्स के साथ कोई काम नहीं करेगा ना। मैना जी वो ना मैं ना और आप वो ना मैं आप हम दोनों हम दोनों ना साथ फोटो खिंचा के हुमा को ऐसी साड़ देनी है क्या बताऊं मैं आपको। लगा नहीं, कह दिया कोई काम नहीं करेगा बस। मैना जी आपको आपके छह भाइयों की कसम। मैं तो छह भाइयों का कसम नहीं देना, वापस लो छह भाइयों का कसम। मैना जी अब तो दे दी, अब तो हो गया। लगा छह भाइयों का कसम दे दिया, गुलखाना शमशीर खाना जहीर खाना रवीज खाना रहीम खाना और सलीम खाना का कसम, अब तो करना पड़ेगा। लगा मैना जी जा मिट्टू हील्स में काम कराएगा। अब देखो मां मिट्टू की फुर्तीलियां। सब डांस कर रहे हैं, हम भी करें। नहीं सर मैं नहीं जा सकती, मुझे ताईजी ने कहा कि मैं गिर के पड़ी हूं तो मुझे जरा डिसिप्लिन रखना है। हां डिसिप्लिन होने की सारी जिंदगी पड़ी है यार, चलो ना। क्यों नहीं समझते भाई, तुम नहीं जाओगी? नहीं मैं जा रहा हूं। ताईजी आ जाओ सब भाई के साथ नाचो, आ जाओ। आप लोग कैसे? अब्बा जी हमारा फोटो तो निकाल दो। हैं? कहाँ से निकाल दो फोटो? मैं बताता हूँ आपको ना, मतलब मोबाइल से हम दोनों की फोटो खींच देना। अच्छा 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 चलो आओ। आप बहुत अच्छी आ रही है। मैं ठीक लग रहा हूँ। मैं क्यूट लग रहा हूँ? मैना जी
फर्स्ट एंड लास्ट। मिट्ठू तू फिर टपक पड़ा है, तुझे कोई काम और नहीं है? अगर इन दोनों लड़कियों से फुर्सत मिल जाए ना तो शराफत से आ जाना, बेबे बुला रही है। तू ना हमेशा गलत टाइम पे टपकता है पकौड़े मुंह वाला। तू ना बेबे को जाके कह दे मिट्ठू ना अभी बिजी है, ठीक हो गया, चल भाग गया। अभी निकालेंगे बिजी। तो एक और फोटो ऐसे कर, ऐसा कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। बस अब मैं यहाँ से ले जाती हूँ। तुमने खाना वाना आराम से खा लिया ना? जी। सब डन है? जी। चलो मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है? हेलो। मजा आ गया कसम से। सर जब आप ऐसी हरकतें करते हैं ना मुझे कसम से जहर लगता है। और जो तुम ये खाम खा के नखरे करती हो ना, बंदरियां लगती हो जिया। ये लंदन में ये नहीं चलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। पार्टी? मैं लंदन पढ़ने जा रही हूँ, पार्टी करने के लिए नहीं जा रही हूँ। और अगर अब आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आपने मैना के साथ डांस वांस करना है या आप मुझे उसके आस पास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने दोबारा इनकार किया तो कसम खुदा की मैं यही करूँगा। ओके, मुझे दिख रही थी। जब से शादी हुई है तुम दोनों क्या तब से झगड़ा कर रहे हो? हाँ हम तब से झगड़ा कर रहे हैं और तुम हमेशा हमारा झगड़ा खत्म करने आ जाती हो। तुम्हें पता है ना फंक्शन खत्म हो रहा है, तुम अब आई हो। यार जिया मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी लेकिन रास्ते में तुम्हारा वो पेंडू प्रोडक्शन कजिन मुझे मिल गया। कौन? मिट्ठू? हाँ हाँ वही। और पता नहीं किसी पागल सी लड़की के साथ तस्वीरें खींच रहा था, मुझे कह रहा था हमारी तस्वीरें खींचो ऊट पटांग से पोजेस। पागल है यार, कजिन है हमारी मैना। हाँ? ओ क्या हो गया, ये कौन से तीसरे मोहल्ले में रिश्तेदारियाँ गाड़ी जा रही है? मैना मेरी कजिन है। किधर से कजिन आई? कजिन ही है। अंदर कहीं का, चलो तुम्हें बहुत शौक है यहाँ पर बैठने का। अच्छा ठीक है, लेकिन जोजी अंकल आपको ज्यादा दूध पिलाई देनी है शरीर से। यस माय ओबीडिएंट गर्ल। और देखे ये पेशावरी कुकड़ के दिमाग के साथ पला मेरा कौन सा कोई मुकाबला है? वो गुजरात का जराफ ये गुवा के मारेगा तो वो आलसे बाहर जाएगा। तो अय्या प्लीज लिसन इंसेक्ट इन माय गार्डन व्हाट पिटी का शोरवा। बहुत बुरी बात है जवानिया, बहुत बुरी बात है। चल शेरी 500 पाउंड का नोट निकाल बेटा जल्दी। जोजी अंकल 500 पाउंड दे रहे हैं। 500 पाउंड ना 1,00,000 के करीब होता है जोजी अंकल। ओ नहीं हुए, मैं बताता हूँ 90,200 रुपया। माँ साथ के चेक करो मेरे पुत्र की इन्फॉर्मेशन। शेर लगा रहने पिनो है, गूगली से चेक किया होगा इस मीसने ने। ओ अम्मा गूगली नहीं होता, गूगल होता है, इंग्लिश ना बोलिया कर तू। शेरी भाई लाखा करे पैसे जल्दी निकालो पैसे। और जी बिलो जी मेरी गल सुनिए आप, ये देखे अगर आपकी प्रमोशन हो तो मैं 1,00,000 रुपए का जो चेक है ना वो मैं पेश करना चाहता हूँ। चेक न लो, बाउंस हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। कैश कैश हो जाएगा। जल्दी से 1,000 पाउंड दे दो, इसके पास तो कभी भी नहीं होगी, दूध पिला दूंगा। 1,000 रुपए से? हाय पुत्र इतने ढेर सारे पैसे तूने कभी ख्वाब में भी इकट्ठे देखे? भाई जो दे रहा है शेरी वो ले लो और मामला खत्म करो। जो जी अंकल इज्जत का सवाल आ गया है, अब तो 1,50,000 चाहिए हाथ पे कैश। कैश? जी बेटा इतने ज्यादा पैसे क्या करोगे आप? आप चुप करें ना, आपकी दवाइयों के काम आ जाएंगे। ये लो 1,000 पाउंड। मैं क्या जोजी पुत्र ऐसे करो के 2,00,000 का ना तुम भी चेक फौरन लिख के दो,
भाई हम कोई पुअर लोग थोड़ी है या कोई कमी कमीन थोड़ी है। हराम दी कमाई ना एंजी लुटाई जाती है। बस बस बंद करो ये लाखों की बातें। शेरी और जवाद 20-20 हजार दो और ये मामला खत्म करो। बीजान अच्छी भली दिहाड़ी लग रही थी, क्या कर रही है? बेटा ऐसे मौकों पर जो खुशी से देता है वो ही अच्छा होता है, दूसरों को मुश्किल में नहीं डालते। अजीब हॉल का टाइम खत्म हो रहा है, रुखसती करवाएं। हाँ भाई ठीक कह रहे हैं जमशेद, चलो भी बहुत देर हो गई है, चलो खड़े हो सब। शाबाश। दूध पीते हुए क्या रूप चढ़ा। चलो शाहजान, तुम्हारा भी फर्ज पूरा हुआ। काश शेरी के पेरेंट्स जिंदा होते आज। देखो अगर तुम्हारा इमोशनल होने का कोई प्लान है ना तो मुझे बता दो, मैं कुछ टिश्यूज वगैरह इकट्ठे कर लूं। जब इमोशनल होने का वक्त हार तब तो भगवान ही, अब क्या होगा। शाहजान क्या तुमने भी आज सुकरात की तरह से जहर का प्याला पी लिया है जो सच बोलने का दौरा पड़ रहा है? कभी कभी इंसान खुद से भी झूठ बोलते बोलते फैल जाता है। उनसे बीजान, बीजान ये आगा जी की आंखों में सचमुच आंसू थे कि मुझे चक्का लगा है। बस जरा पोते की शादी पर इमोशनल हो रहा था, तुम तसल्ली दे देना। ए बीजान मैंने आगा जी को क्या तसल्ली देनी है, उधर ते वेखो जलाल भाई जी ने क्या पेट से आपा डाला हुआ है, रो रो के बुरा शर कर लिया है। क्या जलाल ये क्या टोपी ड्रामा कर रहा है? वो उनकी बेटी जो रुखसत हो गई है। क्या अकेला है जिसकी बेटी हुई है और जो रुखसत हो रही है? तुम परवीन को कहो जरा ध्यान बटाए। अच्छा पिनो, भाई पिनो कहाँ गई है? बीजान पीनो तो नहीं मुझे नजर आ रही, हम भी चल के ना जरा देख लेते हैं। बीजान बीजान करना तो पड़ेगा ना, मुसुम्मा भी रो रही है, बैठ के आ जाए ना, सारे मेहमान देख रहे हैं। और की कर रहे हैं? और छड़ मेरी बा दास, फिर क्यों बुलाया मैंने इत्थे? देख परी ये जो तू जलाल भाई के साथ डांस कर रही थी ना, अगर इसकी वजह से मुझे आया हार्ट अटैक तो इसकी जिम्मेदार तू होगी। रहने दे वड्डा आया देवदास, चिड़ी जितना तो दिल है तेरा, बीवी के एक गोरी से ना बंद हो जाना है इसने। परी मेरा बीपी कर रहा है शूट, तो बेहतर यही होगा कि वो अफगानी ना ना उससे रहे तू दूर। और फिलहाल तो मैं तेरे से दूर जा रही हूँ, सुकून दा सांस ले ले। हे नीमा अपने ना शॉर्ट पे ध्यान दिया कर, देख उसका रंग पीला फटक हुए जा रहा है, कहीं लुढ़क गया ना तो तू भी मेरी तरह यंग बेवा रह जाना है। अस्तगफुल्लाह परवीन, तुम्हारे तो मुंह पर लिखा हुआ है जब भी बात कर रही है ना बुरी ही कर रही है। अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा।